दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बारकोड क्या है या कैसे कार्य करता है या इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर रखता है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका रैंडम नॉलेज चैनल में स्वागत है। बारकोड कई समांतर ब्लैक और व्हाइट पट्टियों की सीरीज होती है जो कुछ कुछ डिस्टेंस पर बनी होती हैं और यह इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती हैं। जब हम बारकोड को बारकोड स्कैनर द्वारा स्कैन करते हैं तो ये वही इंफॉर्मेशन को हमें विजुअल फॉर्मेट में शो करता है। आप समझते हैं कि बारकोड का यूज़ कहाँ और क्यों होता है। मान लीजिए आपके पास एक शॉप है जो आप खुद ही मैनेज करते हैं। आप जो आइटम सेल कर चुके हैं और वह स्टॉक में नहीं है तो आप इसे अपनी दुकान में फिर से मंगा कर रखने के लिए आप उस प्रोडक्ट का नाम, रुपए और कितने बेच चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं, यह सब एक कॉपी में लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक बहुत बड़ा माल है और डेली लाखों की संख्या में प्रोडक्ट बिकते हैं तो यह मैन्युअली मैनेज करना बहुत कठिन है, इसीलिए बारकोड का यूज किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि बारकोड कैसे काम करता है। इन अ नटशेल, बारकोड एक तरीका है जो इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है और एक विजुअल पैटर्न में दिखाता है। बारकोड में 95 ब्लॉक होते हैं। बारकोड को 95 ब्लॉक में ना लिखकर 12 ब्लॉक में लिखा जाता है। पहली डिजिट वाला बार लेफ्ट गार्ड बार कहलाता है और सेंटर वाला सेंटर बार और लास्ट वाला राइट गार्ड बार कहलाता है। सेंटर बार के दाएं तरफ वाले अंक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। यह प्रोडक्ट क्या है, किसका बना हुआ है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और सेंटर बार के बाएं तरफ वाले मैन्युफैक्चरर्स डिटेल देते हैं, ये कहाँ का बना हुआ है। और बार कोड के लास्ट वाला अंक यह बताता है कि यह आइटम सक्सेसफुली चेक हो चुका है। अब हम समझते हैं कि बारकोड कितने प्रकार के होते हैं। बारकोड दो प्रकार के होते हैं, 1D बारकोड और 2D बारकोड। 1D बारकोड नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, जैसे पेन हो गया, ग्रोसरीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। बट 2D बारकोड यह 1D बारकोड की तुलना में अधिक डाटा स्टोर करता है और यह कॉम्प्लेक्स होता है और इसका प्रयोग नॉर्मल प्रोडक्ट में नहीं किया जाता है। 2D बारकोड का उपयोग पेटीएम ऐप में किया जाता है। इस तरीके की यूजफुल जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।